बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। दार-ए-कम ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी उर्दू टीचर और आज हम अपने उर्दू के लेक्चर नंबर 6, वर्बुक सफ़ा नंबर 10 और 11 पर हर्फ काफ लिखना सीखेंगे। लेकिन नया हर्फ सीखने से पहले हम अपने पिछले हर्फ की एक बार दोहराई कर लेते हैं। तो चलो आओ मेरे साथ मिलकर दोहराई करो। ये है काफ। काफ की आवाज होती है का, और काफ के सर पे दो नुक्ते होते हैं। काफ की आवाज क्या होती है? का। वेरी गुड। आइए और काफ की कहानी सुनते हैं। अरे काफ, तुम मास्क पहनकर ऐसा लग रहा है घर के अंदर ही है, यानी कि इसने अपने आप को करंटीना किया हुआ है। अच्छू, आपको पता है करंटीना क्या होता है? किसी भी मोहलिक बीमारी से बचने के लिए अपने आप को सब लोगों से थोड़े दिन के लिए अलग कर लेने को करंटीना कहते हैं। आइए देखते हैं काफ बाकी सब लोगों के साथ करंटीना में क्या कर रहा है। यहाँ पर तो कुत्सिया अपनी कमीज सी रही है और उसके पास तो कैंची भी पड़ी हुई है। और ये कादिर क्या कर रहा है? कादिर तो मोबाइल पे बैठा हुआ गेम खेल रहा है। बच्चों, आपको पता है ना कि इस तरह बहुत वक्त जाया होता है। बच्चों, आपको पता है करंटीना के इस टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना, हमने अपने वक्त की कदर करनी है और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी हैं, नई नई चीज़ें सीखनी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आपने क्या करना है, अभी आप सब अच्छे अच्छे बच्चों ने अपने घर में काफ से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज को ढूंढना है और अलिफ से काफ तक लिखने की मश्क ज़रूर करनी है। और हम सब लोग फिर मिलेंगे जब करंटीना ख़त्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का उर्दू का काम। अपनी उर्दू की वर्बुक निकालें और सफ़ा नंबर 10 खोलें, ये वाला। आपको पता है ना काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने दोनों पेजेस पे आज की डेट मार्क करनी है और दिन क्या है, हफ्ता, हफ्ते को टिक करना है दोनों पेजेस पे। तो टॉपिक है हमारा शनाख्त करें और रंग भरें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? यहाँ पे हमारे पास बड़ा सा काफ बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिक वाला काफ। तो यहाँ पे आपने ट्रेस करना है इसको। पोजीशन डॉट से स्टार्ट करेंगे ट्रेस करना, ऐसे अलिफ बनाया और फिर बे की तरह इसको ट्रेस कर देंगे ऐसे, ठीक है? और उसके बाद एक स्टिक बन जाएगी इसकी, ये वाली, ये देखें, ये इसकी एक स्टिक भी बन गई। लेकिन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं तो देखें क्या बनता है काफ से। काफ का कव्वा, काफ का कंगा, काफ का किताब। अब यहाँ पे उन्होंने कहा रंग भरें, कव्वा और कंगा ये तो पहले ही कलरफुल हैं, इनमें कलर है, तो आपने किताब में रंग भरना है। पिंक कर लें, ब्लू कर लें, ब्राउन कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप किताब में कलर कर लें, ठीक है? अब अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे क्या बना हुआ है? काफ का कछुआ। और यहाँ पे भी आपने काफ को ट्रेस करना है। पोजीशन डॉट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे अलिफ बनाया फिर बे की तरह इसको ऐसे, ठीक है? और इसकी एक स्टिक बना दी ऐसे, ये इसकी स्टिक बन गई। तो ये क्या बन गया? काफ का कछुआ। अब यहाँ पे थ्री लाइंस डॉट्स वाली हैं, आपने इनके ऊपर भी ट्रेस करना है। ये पहले नीचे वाला पार्ट और फिर ये ऊपर वाली स्टिक ऐसे, ठीक है? ये आपका काफ बन गया। और जहाँ पे आपने ख़ुद से लिखना है वो कैसे लिखना है? पोजीशन डॉट से आप अलिफ बनाएंगे ऐसे, छोटी सी स्लांट लाइन, और फिर इसको बे की शेप दे देंगे ऐसे, और एक स्टिक लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? काफ का कछुआ।
बच्चों आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत मज़े की कहानी है, तो आए सुनते हैं अपनी कहानी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलें सुनते हैं। काफ। काफ के ऊपर होता है एक डंडी और ये होता बिल्कुल बे की तरह है। काफ और हम बिल्कुल बे की तरह बनाएंगे और बे की तरह बनाने के लिए हम छोटा सा अलिफ बनाएंगे, नीचे आएंगे और ऊपर चले जाएंगे। ये बन गया हमारा बे और काफ बनाने के लिए इसके ऊपर रख देंगे एक डंडी। अब चल के कहानी देखते हैं। हम तो एक लाइब्रेरी में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी हैं, किताबें भी रखी हुई हैं यहाँ पे। और काफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम काफ, कैसे हैं आप? आप यहाँ पे क्या किताबें लेने के लिए आए हैं? अच्छा, देखें काफ तो ऊपर गया और उसने शेल्फ में से एक किताब उठा ली है। ये तो कहानी की किताब है। काफ, ये कौन सी कहानी है? बच्चों, क्या आप सबने कहानी सुननी है? चलें चलते हैं और देखते हैं ये कौन सी कहानी की किताब है। अरे, इस कहानी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पर तो एक कौवा भी आ गया है। मुझे पता है ये प्यासे कौवे की कहानी है। आपको जग में पानी नज़र आ रहा है ना, लेकिन वो इतना कम है कि कौवे की चोंच नहीं जा पाएगी। तो कौवा अपने पास पड़े हुए कंकर उठाकर, क्या उठाकर? कंकर उठाकर इस कांच के जग के अंदर डालेगा और पानी ऊपर आ जाएगा। चलो भाई कौवे, कंकर उठाओ और पानी में डालो। कौवे ने कंकर उठाया और आगे गया और जग में डाला। खुड़ पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। शाबाश, एक और कंकर। कौवे ने एक और कंकर उठाया और ऊपर गया। 1 2 3 खुड़ो, पानी तो और ऊपर आ गया। अब कौवा पानी पी सकता है। और ये जो ऊपर बैठी हुई कोयल है ना, इसको भी बहुत प्यास लगी है। और यहाँ पे एक और परिंदा भी आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है ना। तो कौन है वो? ये तो है कबूतर। तो चलें अरे आपने कुल्हाड़ी देखी? इससे तो हम लकड़ियाँ काटते हैं। अब हम इन सारे परिंदों को यहाँ पर पानी पीने देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।